बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रतापगढ़ में टीवी पत्रकार की हत्या की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। बसपा अध्यक्ष ने ट्वीट कर कहा है कि यूपी में शराब माफियाओं आदि का आतंक किसी से छिपा नहीं हुआ है। इनके काले कारनामों को उजागर करने पर ताजा घटना में प्रतापगढ़ जिले के टीवी पत्रकार की नरसिंह हत्या अति दुखद है। उन्होंने सरकार से घटना की अविलंब निष्पक्ष व विश्वसनीय जांच कराकर दोषियों को सख्त सजा सुनिश्चित कराने की मांग की है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एबीपी न्यूज के पत्रकार की हुई हत्या में पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। इससे पहले पुलिस ने मामले को दबाने का भरसक प्रयास किया था। बाद में जब कुछ मीडिया संस्थानों में खबर चली तो दबाव बना, फिर मुकदमा लिखना पड़ा। इस बीच एक और बात और, वह यह है कि जिस एबीपी न्यूज के लिए पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव काम कर रहे थे, उस चैनल ने भी इसे हादसा बताया था। यह बेहद चौंकाने वाली बात है। बताया जा रहा है कि पत्रकार लगातार शराब माफियाओं के खिलाफ रिपोर्टिंग कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि यह रिपोर्टिंग एबीपी में ही चल रही होगी, लेकिन चैनल ने सीधा मुंह उठाया और हत्या को हादसा बता दिया। एबीपी चैनल जिसमें पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव काम कर रहे थे के दो स्क्रीनशॉट हैं, इन्हें देखिए कि क्या लिखा है। यह आलम तो तब है जब हर तरफ से शराब माफियाओं द्वारा पत्रकार की हत्या किए जाने की आवाजें उठ रही हैं। तो खुद पत्रकार सुलभ ने हत्या से एक दिन पहले ही एडीजी जोन को पत्र लिखकर हत्या किए जाने का अंदेशा जताया था। क्या चैनल को इस बात की जानकारी नहीं थी या ली नहीं? एबीपी न्यूज के इस रवैये पर विकास एस हुड लिखते हैं कि जो चैनल अपने पत्रकार की हत्या को दुर्घटना बता देते हैं, उन चैनलों से आप अपेक्षा करते हैं कि वो आपके मुद्दों पर आवाज उठाएंगे। वैसे सुलभ श्रीवास्तव के मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज हो चुका है। अब एबीपी न्यूज को बताना चाहिए कि सड़क दुर्घटना के मामले में हत्या का मुकदमा कैसे दर्ज हो गया। डूब मरो दलालों।